सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो चुकी हैं अभी, सर क्या समझते हैं कि इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, और ये पैदा हुई किस तरह से हैं, और ये जो से अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा सर। देखें जी, ये हालात को ठीक तो नहीं किया जा सकता, जैसे कि इस वक्त बिल्कुल वाज़े कि ये हालात ठीक करने वाले इसे ठीक करना चाहेंगे तो फौरी तौर पे कर देंगे, वरना ये टाइम लगेगा, ये एक प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो मतलब जो सियासी कुव्वतें यहाँ पे हुक्मरान भी हैं, जो पार्टी हुकूमत कर रही है वो भी हुकूमत उसके हाथ में नहीं है, मतलब चंद नादीदा हाथ जो हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, और जैसे कि आज आवाम जो है वो बेबस हो गई हुई है, आवाम के हकूक जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म सलब कर दिए गए हैं, ऐसा तो मार्शल्ला में भी नहीं होता, ऐसा तो एमरजेंसी में भी नहीं होता। आप देखें ना, अब पार्लियामेंट ने भी अपने हकूक़ के तहफ़ के लिए बिल मंजूर कर लिया, पार्लियामेंट के बिल, पार्लियामेंट के हकूक़ के तहफ़ हो गए हैं, अदलिया के हकूक़ के तहफ़ हो गए हैं, तमाम इदारों के, इलेक्शन कमीशन के तमाम के हकूक़ का तहफ़ होता है, उनके बिल हो गए, तो ये आवाम का तहफ़ किसने करना है, ये तो बेचारा एक आइन है जो पता नहीं कहाँ गया हुआ है, आइन अगर वापस आएगा तो उससे हम पूछेंगे कि ये जो आइन में लिखा गया कि आवाम में, आवाम को ये तहफ़ जिस शिक के तहत दिया गया, बोलने की आज़ादी, पानी, साफ पानी की आज़ादी, खुराक की आज़ादी, रहने के लिए छत की आज़ादी, मतलब और ये मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक खाना ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, वैसे स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी ज़रूरी है, इंसान अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो वो कैदी है, आज़ादी नहीं है उसको, तो जब आज़ादी नहीं है तो बंदा आज़ाद नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। सर एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर आपसे, हमने इंडिया के साथ अलग तो हो गए, लेकिन उससे दुख की बात यह है कि आज हम इंडिया के नाम से भी नफरत करते हैं। सर नफरत ये है कि अगर हम देखें, नफरत उससे करें कि जो हमारे बराबर का हो या हमसे ऊपर दर्जे का हो, सर अगर देखे जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड, हाई मतलब कि आउट क्लास स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा सैनरियोज देखते हुए सर आपको नहीं लगता कि हम पर अभी दुश्मन भी तरस खा रहा है हमारे हालात पर? क्या समझते कि ये जो हालात हम दिखा रहे हैं इससे आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया हमारा तो हम पर तो मजाक उड़ा ही रही है, और दुनिया ये भी कह रही कि पाकिस्तान ने गलती कर ली कि इंडिया से अलग हो गया, इसको कैसे देखते हैं जी? इसमें तो बहरहाल उस वक्त की कई मुख्तदर शख्सियतों ने ये कहा था, बल्कि कुछ ने तो पेशेंगोई की थी कि पाकिस्तान जो है वो दुलख्त होगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक नज़रिया के बेस पे ये पाकिस्तान मुल्क बना है, और इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा, इसमें मतलब है अगर इसको हम एक और मैं आपको एक और कट करूंगा, आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा। सर नज़रिए के बेस पर हमने इस्लाम पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो आज से हमसे मौजूदा जो सुनहरियों से पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे? आप एज अ पाकिस्तान एक सच्चे दिल से ये सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि हमने जब करारदादे लाहौर पेश की थी 1940 में, मौलवी फजल हक जो थे उन्होंने तो उसमें एक वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि ये जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं उन पे मुश्तमिल रियासतें बनाई जाएंगी, और उसके साथ साथ ये होगा कि जो भारत में यानी कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे उनके हकूक़ का तहफ़ भी पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान तो ख़ुद अपने हकूक़ का तहफ़ नहीं कर सका, पाकिस्तान अपने आवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सका, आज तक देखें ना किसी वज़ीर आज़म को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, एक बता दें पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जिसने टेन्योर पूरा किया हुआ, या उसे टांगे पकड़ के खींच लिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। आप देखें हमारी बदकिस्मती है, आज हम जिन्ना के नाम पे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे कितना शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ना एक सड़क पे ख़राब एम्बुलेंस पे और फिर ख़राब प्यारे पे लाया गया, और वहाँ उसने अपनी जान दी। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया गया जब अयूब खान की हुकूमत, गद्दार वहाँ बिल्कुल, मतलब एक हमारे एक MNA है गुजरा वाले के, उन्होंने एक कुतिया के गले में तख्ती लटकाई थी, और ये ऐसा ये होता रहा इस पाकिस्तान में, और उसके बाद उनकी जो मौत है वो भी आज तक सरबस्ता राज है। उसके बाद आप समझें कि किस वज़ीर आज़म को हुकूमत करने के लिए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बच्चों को सारे कत्ल हुए। अब देखें कि ये कहाँ पे, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब खुद
जैसे कि वो कहते हैं कि वे शहीद हुए तो ज़ियाउल हक साहब को भी नहीं बख्शा गया। तो ये एक मफादात की जंग है यहाँ पाकिस्तान में हमेशा से, यह जो है ना एक मफाद प्रस्त टोला जो है वो किसी सूरत में आए, किसी जमात से आए, यहाँ मफाद प्रस्त टोले ही हुकूमत करते रहे। और ये मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कि सारा करप्ट माफिया एक तरफ है, तो जो चंद शरफा हैं और फिर ये मीडिया आप खड़े हैं। लेकिन ये मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया को इश्तहार ना मिले तो मीडिया ने कहाँ से चलना, तो ये उसकी मजबूरी है। मीडिया जो है ना वो अपने मालकान की जो है ना उस पर खुशनुदी पे अमल करता है, मालकान कहें कि आपने ये लाइन इख्तियार करनी, तो किसी की क्या जरूरत है कि वो कोई उस लाइन से हटके कोई दूसरी लाइन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ दिलेर सहाफ़ी हैं जो कुछ सही हालात लोगों को बता रहे हैं, वरना ये जो है ना डिज़ास्टर है, मतलब है इस समय अब संभलने का चांस जो है बहुत कम है। पाकिस्तान देखें ना, अब 13वें नंबर पे जो है ना पाकिस्तान आ गया हुआ है गुर्बत में, महंगाई में उस का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है श्रीलंका वो 17वें नंबर पे है, 17th नंबर पे है, तो पाकिस्तान तो उससे भी नीचे जा चुका है। तो हम सिर्फ दुआएं करते रहेंगे, हम सिर्फ ये खुशफहमियों में मुबतला रहेंगे कि पाकिस्तान जी अल्लाह ताला की रहमत से 27वीं रमज़ान को मनाए और इससे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान कायदे आज़म ने भी कभी नहीं कहा कि ये, उसने कहा कि इदारे वगैरह जो हैं ये जो हैं उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनकी कारकर्दगी होनी चाहिए, इज़्ज़त आवाम की है। और जब आवाम की इज़्ज़त ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जबकि आप देखें कि जब आवाम की इज़्ज़त नहीं की, ख्वातीन के साथ किस बर्बरियत से पेश आया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं के साथ, कोई भी सियासी रहनुमा किसी भी जमात को सियासी रहनुमाओं से कौन सी मतलब है, कौन सा तरीका जिस पे मतलब है ना वो अमल किया जा रहा है, मतलब ये उन्होंने की लाइन ही शुरू दिन की है कि खौफ और दहशत का बाजार गर्म करें और खौफ और दहशत बैठा दें। लेकिन ये खौफ दहशत और ये MNA MPA टूटने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी नामजद जो टिकट होल्डर MNA या MPA जो है वो अगर पार्टी छोड़ देगा तो पार्टी की वोट कम होगी? नहीं, वो वोट नहीं कम होगी, सिर्फ MNA MPA ही छोड़ेगा। आप इसमें देख लें कितने लोग छोड़ के गए मुख्तलिफ जमातों से, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। अब वो ज़माना गुजर गया है कि वो जो एक वोट बैंक होता था किसी शख्स का, अब इस वक्त तो सारा वोट बैंक जो है एक ही जमात। यहाँ पर हम खड़े होकर ये कह देते हैं कि भाई हमें अपना मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, फी बंदा हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं। आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के अंदर जब से पाकिस्तान बना इस मुल्क के लिए मोहब्बत देखी है कि या सिर्फ अपनी जेब के लिए आते हैं? कभी आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा हो कि भाई उसने लड़ा हो के मुल्क के लिए कि भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसके लिए काम करूँगा, इसके लिए भी जान भी दूंगा? लेकिन आप कोई तारीख पाकिस्तान की बताती है कि किसी पॉलिटिशियन ने या किसी जर्नल ने किसी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया हो? तो आप बताइएगा, अगर किसी एक ने भी उठाया होता तो पाकिस्तान का ये हाल होता? नहीं नहीं, आप यहाँ वहाँ गलत हैं। वो इस तरह गलत हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं हूँ, मेरी जायदादें ज़मीनें दौलत ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान सारा मेरा है लूटने के लिए, और जो जायदादें मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि मेरे पास जो भी है ओपन कि मेरे पास जो भी है कुछ भी है वो मैं सारा पाकिस्तान पे कुर्बान करने को तैयार हूँ, मेरा ले लें सारा ऐसे। तो इनमें से कोई क्यों नहीं ऐलान करता कि जो हमारा है वो सब कुछ पाकिस्तान का? वो कहते हैं जो पाकिस्तान का है वो सारा कुछ हमारा है बस, वो और वो ले जा रहे हैं वो अपना हिस्सा जो है ना कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब चलता रहेगा ये सिलसिला ऐसे ही, अभी कोई मतलब है ना मुझे नहीं नज़र आ रही ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ अगर फिर कोई बदअमनी हुई कोई मतलब है यहाँ पे, तो फिर वो सिलसिला रुकेगा नहीं, ये आप देख लीजिएगा। अब रुकना इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि झूठ और सच में फ़र्क नहीं है, तो फिर जो होना है वो हो जाए। सर, अगर आर्मी एक्ट लग जाता है इस मुल्क के अंदर, अगर इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर आर्मी एक्ट लगा दिया जाता है तो कैसे सिनेरियोस होंगे? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की पब्लिक ने ये आर्मी एक्ट क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और जो कि बड़े बड़े जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ से खौफ दिलवा रहे हैं कि आर्मी एक्ट लगेगा तो इमरान खान साहब की जान भी जा सकती है या इस पार्टी को बैन किया जा सकता है। ये आर्मी एक्ट होता क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? मैं एक बात बताऊँ, जो पहले ही जान हथेली पर लेके आए हैं तो उन्हें क्या डर है कि अब आर्मी एक्ट लगे या जो मर्जी हो कुछ भी हो, मतलब
इमरान खान की जान अभी तक तो महफूज है और महफूज रहेगी इंशाल्लाह, फिर बाकी लोग भी पाकिस्तान में बसते हैं, बाकी सियासतदान भी यहाँ रहते हैं, तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे वायलेंस के बाद फिर ये सियासतदान कोई भी हो किसी भी जमात से, उनकी जान महफूज नहीं रहेगी। ये बिल्कुल आपको लगता है कहा जा रहा है क्या इस तरह से इमरान खान के सपोर्ट में जितना को डराया जा रहा है, क्या इमरान खान के सपोर्ट के अंदर लोग खड़े होंगे फ्यूचर में? डर, खौफ और दहशत की जो है ना जबान, वो कभी भी जो है ना कामयाब नहीं होती। कामयाबी सच की है, और जो सच है वो सारी दुनिया का मीडिया सच दिखा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया सारा झूठ दिखा रहा है। ये मतलब है, मैं वही कहता हूँ उस कायद आज़म को आपने वहाँ पे सड़क के ऊपर जो है ना वो वफात उन्होंने पाई, शहीद हुए मैं तो कहूँगा, तो ये तो आप मतलब अब क्या चाहते हैं? उस कायद आज़म के घर को जो आपने कोर कमांडर, हमें तो पता ही नहीं था कि वो जिना हाउस है, वो तो दो तीन दिन से मतलब है ना पता चला कि वो जिना हाउस है, वरना वो तो कोर कमांडर हाउस था। जो लोग गए हैं उन्हें शायद कुछ को बरगलाया भी हो, कुछ लोग वैसे भी गए, कुछ लोग तो उनके अपने भी थे, तो उनको बताया गया था कोर कमांडर हाउस है। अब जिना हाउस में जो कायद अजम मोहम्मद अली जिना की, और कायद अजम मोहम्मद अली जिना की अगर वो रिहाइश थी तो कायद अजम ने मेरे ख्याल वहाँ रिहाइश भी नहीं रखी, ना उनको रखने दी गई, वो तो मतलब बिकते रहे, चलता रहा। और ये और पाकिस्तान बनने से कबल एक हमारे बैरिस्टर हैं, उन्होंने केस भी किया था इसका। अच्छा जी हाँ, वो केस अभी तक अल्तवा में है, पाकिस्तान बनने से कबल था, वो भी आज हाई कोर्ट में होगा। यहाँ पर इतने केसेस पेंडिंग पर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग पर है। हमारा जो जुडिशनरी, जो हमारा लॉ को चलाने वाले जो हमारे जजेस हैं, सर आपको पता कि हमारे जो के जस्टिस का निज़ाम है वो पाकिस्तान दुनिया में 195 नंबर पर है, सॉरी 154 नंबर पर है। सर हम इस निज़ाम, इस इंसाफ वाले निज़ाम को लेकर कब तक चलेंगे? अल्लाह ताला भी कहता है कि जब तक तुम तोलोगे बराबर नहीं, अगर तुम इंसाफ नहीं दोगे तो मैं उस कौम को नस्ल-ओ-नाबूद कर दूंगा, तो सर हम किस चीज़ का इंतजार करें? देखें जी, इंसाफ की बात करें कि जिस कौम में इंसाफ ना हो उसने तो तबाह होना ही होता है। कि चर्चिल ने जब नाजी तैयारे जो हैं वो लंदन की ईंट से ईंट बजा रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या बरतानिया सर्वाइव करेगा, ये जंग जीतेगा? उसने कहा क्या बरतानिया की अदालतों से आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? तो उन्होंने कहा जी मिल रहा है। तो उसने कहा बरतानिया कभी ये जंग नहीं हार सकता। यहाँ तो आप देखें, एक 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 गलती पे अल्लाह ताला ने कौमों को तबाह किया, वो सारी गलतियाँ हमें अहद सारी मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, अहद के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक काम को नहीं माना तो पूरी जंग हम हार गए। बिल्कुल नहीं, उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, जो कम तोलता है वो हम में से नहीं है, यानी कि इज नॉट मुस्लिम। तो मतलब ये देखें, और एक एक जुर्म पे अल्लाह ताला ने बस्तियों की बस्तियाँ जो है ना तबाह की, पलटा दी गई, पत्थर बरसा दिए गए, गर्क कर दी गई, तो हम में तो वो सारे जुर्म जो हैं, वो सारे गुनाह जो हैं हम वो कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला से हम रहमत के तलबगार भी होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम ही है अभी तक कि हम जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो बाकी दुआ ही की जा सकती है, या प्रैक्टिकली जो है ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शफकत। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम। सर गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, तो काम कारोबार कैसा चल रहा है? मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि आपको पाकिस्तान आगे सर्वाइव कर पाएगा, पाकिस्तान आगे चल पाएगा? जिस तरह से हमारे आपस में पॉलिटिशियंस कुर्सियों के लिए, सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, आप कैसे फ्यूचर देख रहे हैं? ये फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो कारोबार जो है ना ठप हो चुके हैं, बस जो है ना बस इसी तरह ही आराम से बस जेब खर्च के साथ ही चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सर जिम्मेदार कौन है इन हालातों का? ये इन हालात का कुछ लोग ये कर रहे हैं कि भी हम जो आगे ना मुल्क को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन आज तक हमने यही देखा है कि कुछ भी नहीं किया किसी ने भी, जो भी आया
मैंने ना तकरीबन अयूब खान के टाइम से मैं ज़रा थोड़ा देखता हूँ लोगों को, लेकिन जो ना आज तक कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सर, मिसाल दूंगा यहाँ पर एक, अभी रिसेंटली जो भारत है जो हमारे जिसे